दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफी समय के बाद ब्लॉग, तो बात तो सही है। कुछ छिंदवाड़े पे हूँ और फाइनली आज हम जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने के लिए। तो 8 बजे कुछ निकलेंगे, अभी तो रेडी हुआ नहीं हूँ, अभी रेडी होना फिर उसके बाद निकलेंगे। और राजा का वेट कर रहा हूँ, कहीं गया है, फिर उसके बाद निकलते हैं यार, फिर करते हैं दर्शन गणेश जी के, तो आपको भी कराते हैं और देखते हैं। ज़्यादा कुछ तो घूमने नहीं हो पाएगा, मेन मेन अपन दर्शन करेंगे और जो भी होगा आपको दिखाएंगे, गणेश जी के दर्शन कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, हो चुके हैं रेडी, अब निकलते हैं दर्शन के लिए। और जाने वाले हैं हम सबसे पहले मोहन नगर का राजा, मोहन नगर का राजन का दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जा रहा है उसके। भाई मोहन नगर का राजा यहीं से, धीरे धीरे धीरे। तो ये रहा भाई मोहन नगर का राजा, प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और आगे आपको और मोहन नगर चिंतामणि का है ये तो ना। हाँ जाने दे, अरे गजब यार, बहुत बढ़िया यार, गजब। अरे भाई मोहन नगर का राजा, और यहाँ पर ट्रैफिक देखिए एक बार कितना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लाइन लगा के दर्शन होगा यहाँ पर, तो हमें एक साइड लगाना पड़ेगा गाड़ी, किनारे को लगा दे। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर यार, ट्रैफिक की भी बहुत दिक्कत। शीघ्र दर्शन के लिए वीआई पास लेना पड़ेगा, तो हमें लाइन लगना पड़ेगा वहाँ से। लाइन कहाँ से लगे भाई? अबे वहाँ से लगना था लाइन, वो लाइन वहाँ से लगना है। तो भाई हमें ब्याज भी नहीं है, हमको लाइन लगना पड़ेगा। पहले जाते करके अब लाइन लगना पड़ेगा। चलो ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मिनट लगेगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए हम 8-7 हो रहा है, देखते दर्शन कितने बजे। देता हूँ आपको 834 नंबर लगा। ओ भाई जल्दी चला के चला, लेट पीछे नंबर मिलेगा। वो बहुत लंबा घुमा रखे इतने ना। स्टार्ट होने वाली आपको दिखाते हैं श्री गणेश मोहन नगर का राजा, आप सभी भक्तों का राजा के दरबार में अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष प्रस्तुत झांकी शिव महापुराण से ली गई है। एक समय पर शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचर्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंश नाश हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर परेशानियों ने उन्हें घेर लिया। इस समस्या को सोचकर वे लग गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि शिला, मैं आपकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुआ हूँ, मांगी आप क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, मैं बस एक पुत्र की ही चाहत रखता हूँ, जो आपकी तरह हो और जिसे मृत्यु छू भी ना पाए। तथास्तु ऋषि शिला, भले ही
मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ। महादेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात शिलाद ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर शिलाद ऋषि ने नंदी को बहुत ही अल्प आयु में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। किंतु कुछ ऋषियों के कहे अनुसार शिलाद ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि नंदी के पास एक वर्ष से अधिक का समय नहीं है। अपने सामने स्वयं महादेव को देख नंदी भूल ही गया कि उसे लंबी आयु का वरदान मांगना था, किंतु महादेव का घर आपका सानिध्य चाहिए। मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, जीवन भर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। नंदी, तुम रहे और अव्यय होकर सदा मेरे घर नायक बने रहोगे। इसके पश्चात नंदी से खुश होकर महादेव ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपनाकर गणों में सर्वोत्तम स्वीकार कर लिया। समय गुजरता गया और भगवान गणेश जी की भी नंदी से मित्रता हो गई और राम गणेश अपने भक्तों की पुकार पर मोहन नगर के राजा के रूप में दर्शन हेतु हम सभी के बीच प्रकट हो रहे हैं। चलो ये भाई बहुत सुंदर झांकी थी, ये मोहन नगर का राजा। और ये हम हो रहे हैं एग्जिट। और ये देखे क्राउड मिल गया भाई को। दिखाते मोहन नगर के पीछे है सरस्वती माता मंदिर, वहाँ पर भी बैठती है, तो वहाँ दर्शन कर लेते हैं। और गाड़ी हमने पीछे खड़ी की है। और देखिए सब, ये इधर सरस्वती माता मंदिर से आ रहे हैं सब लोग, तो अभी पैदल पैदल चल जाते हैं क्योंकि गाड़ी की बहुत समस्या है यहाँ पर पार्क की। क्या है
भाई यहाँ पर तो भीड़ बहुत है, एक भीड़ बहुत है बोले ना वो नहीं वो झांकी अच्छा है मतलब इस बार ना है ना इस बार अच्छा लग रहा थोड़ा ना पूरा भाई खतरनाक ही कार्यक्रम है भाई इस बार तो चल लग जाएगा नंबर आ जाए और आधा घंटा लग जाएगा भाई। भाई यहाँ से हम वैसे बहुत भीड़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी वाली भीड़ है भाई पर सेटअप इस बार अच्छा किए इनने बाहर में इतना भीड़ है लोकल व्यक्ति कैसे दर्शन करेगा यार दर्शन तो हुए नहीं बहुत है आज के लिए इतना इतना भीड़ बहुत अच्छा काम किया भाई पुलाव बट रहा है यहाँ पर मोहन नगर पे सबसे अच्छा काम खिलाने वाला एक और ले ले भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये पुण्य का काम कैसा दिख रहा हूँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो बस एक और बार दे दो डर गया तो चलिए गाइस अब चलते हैं अपन घर दर्शन हो चुके हैं और ये होटल तो हम आ चुके हैं अभी रूम पे और बहुत मस्त झांकी रही मोहन नगर का राजा और हम गए थे सृष्टि माता मंदिर वहाँ पर बहुत भीड़ थी इसलिए हम वापस आ गए आपने देखा कम से कम हमको लगता है वहाँ पर एक घंटे मिनिमम लग जाता इसलिए हम वापस आ गए तो ठीक है आज का ब्लॉग अपन यहीं पर एंड करते हैं और कैसा क्या रहा आज का ब्लॉग आप बताना और कमेंट्स में लिखना जय श्री गणेश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक बाय मंदिर में हो गया भजन स्टार्ट और अभी देखिए टाइम हो रहा है